आज मुक्ताईनगर में एनसीपी नेता रोहिणी खड़से ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह मार्च तहसील कार्यालय के सामने सभा में बदल गया। इसी दौरान अंतरूली के समाधान शिरतोले किसान ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस समय मौजूद किसानों ने उन्हें रोक लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। किसान ने खेद व्यक्त किया कि कपास के उत्पादन से कुछ नहीं मिला। मुक्ताईनगर में एनसीपी नेता रोहिणी खड़से ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह मार्च तहसील कार्यालय के सामने सभा में बदल गया। इसी दौरान अंतुरली के समाधान शिरतोड़े किसान ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस समय वहां मौजूद किसानों ने उन्हें रोक लिया और एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। किसान ने खेद व्यक्त किया है कि कपास के उत्पादन से कुछ नहीं मिला। काही नाही, आमच्या एक एक दीड दीड एकर जमीन आहे, आम्हाला काही भेटत नाही आहे। मग आम्ही काय करणार आहे? मुलं आम्हाला वागवता नाही आहे। आता घेऊन आता पोरं आपल्याला वागवतर येतं, काय करणार आहे आम्ही? तिथं कपाशाला भाव नाही, कांद्याला भाव नाही आहे, कांद्याला भाव नाही आहे, कपाशीला भाव नाही आहे। मग आता काय करणार आहे आपण? मग हे कोण करणार आहे आपला? आपण आपल्याला 150 रुपयाचे 15,000 लावले, आपण काय आपल्याला उत्पन्नावर होतच नाही। इथून घेतील ते घेतील, पोरं म्हणतात तुम्ही काय केलं याचा, आम्ही काय करणार आहे? आपण मझार पाण्यामध्ये काय करणार आहे? ब्युरो रिपोर्ट, क्षितिजा देशमुख।